नमस्कार साथियों, आरडी एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेट एग्जाम रिजल्ट 2024 के बारे में। क्या रिजल्ट अभी तक जारी हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद में दूसरा टॉपिक रहने वाला जे टॉप कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है और जेट की कट ऑफ 2024 के अंदर क्या रहेगी, कितने नंबर तक हमारा एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि जेट का रिजल्ट आपको अगर जारी हो गया है, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, कुछ ही देर में आज या कल तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जब भी जारी होगा तो मैं तो आपको तुरंत बताऊंगा। इसके अलावा आपका जारी होने के बाद में अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो हमको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, उसके बाद मैं कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले गूगल पर जाकर सर्च करना जेट 2024, तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। वहां पर आपको सबसे पहले साइड पर क्लिक करना है। सबसे पहले साइड पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस नेक्स्ट ओपन होगा। वहां पर यूजर नेम की जगह आपकी ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है। इस तरह का पासवर्ड डालने के बाद में आपको अगर पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड नाम आ रहा है, या सीधा ये कैचअप लगाने के बाद में साइन इन करना है। ये पहले कैचअप लगाना, फिर साइन इन करने के बाद में तुरंत आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर अगर हुआ है तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। और उसके बाद में बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ क्या रह सकती है सब। अब थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में बात कर लें भी, जेट के अगर रिजल्ट जारी होने के बाद में कितने नंबर आए तब टॉप कॉलेज में हमारा एडमिशन हो सकता है। सबसे पहले जनरल की बात करें तो अगर 310 या 300 के आसपास नंबर आने चाहिए, ओबीसी के 190 से लेकर 300 के आसपास कितने भी नंबर है तो आपको कॉलेज मिल सकते हैं। अगर आपके 100+ नंबर है तो भी ओबीसी के अंदर पिछले साल जो न्यू कॉलेज 29+ खुली थी वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। AWS की बात करें तो 170 से 190 या इससे कम है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं टॉप कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर आपको जो न्यू कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो अगर आपके 50 या 20 नंबर आए हैं तो भी आप उस कॉलेजों के अंदर ले सकते हो। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, काउंसलिंग टाइम कॉलेज के अंदर नॉर्मल और पेमेंट शीट होती है। पेमेंट शीट पर पेमेंट लगता है, नॉर्मल पर नॉर्मल पेमेंट लगता है। फिर एमबीसी की बात करें तो 150 से 170, एससी की बात करें तो 130 से 150, एसटी की बात करें 120 से 130 के बीच। आर्मी कोटे की अगर बात करें तो 100 से 110 या 120 के। स्पोर्ट की अगर कोई भी आप गेम से खेल रहे हो तो भी आपके 110 से 120 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं तो आपको अच्छी टॉप कॉलेज मिलने के पूरा चांस है। इसके अलावा अगर इसे अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ले सकते हो, नहीं तो आप 1 साल लॉन्ग ईयर की तैयारी करके नेक्स्ट ईयर अच्छे नंबर लाकर अपने टॉप कॉलेजों के अंदर जा सकते हो। काउंसलिंग के टाइम विशेष ध्यान रखना है। कोई भी प्रॉब्लम आने पर मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे मोबाइल नंबर दूंगा जहाँ या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर ज्वाइन हो जाइए। और कमेंट बॉक्स में जिस व्हाट्सएप पर कमेंट जरूर कर देना, मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 86 90 46 44 29। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आपके कोई भी दिक्कत आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का पूरा देखने के लिए धन्यवाद।